नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कश्मीर के मुद्दे पर जबरदस्त हार और घरेलू मोर्चे पर ढेर हो चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चारों तरफ से बुरी तरह निराश हो चुके हैं। पाक की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और महंगाई की मार से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ये उस नए पाकिस्तान का हाल है जिसका सपना दिखाकर इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद संभाला था, लेकिन नया पाकिस्तान तो दूर, इमरान ने तो इसे पुराना भी नहीं छोड़ा। हर मोर्चे पर हार का मुंह देखने के बाद इमरान खान इतने निराश हो गए कि उन्होंने खुद ही कह डाला कि अगर ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इमरान ने यह बयान केंद्रीय राजस्व बोर्ड की बैठक के दौरान कहा। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रहा है। पाक सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई अहम कदम उठाए, बावजूद इसके लोग टैक्स चोरी की हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इससे बचने के उपाय आजमा रहे, जिससे इमरान बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी राजस्व को बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो देश को गंभीर आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जब तक हम अपनी टैक्स कलेक्शन को एक नेशनल ड्यूटी, सेक्रेट ड्यूटी नहीं समझेंगे, ये जहाद नहीं समझेंगे, ये मुल्क, हम अपने मुल्क को इसी तरह ही चलाते रहेंगे। हम सारे देखते देखते, मेरी ज़िंदगी में देखते देखते, सालों से आगे था पाकिस्तान 60s में, 70s में, 80s में, बड़े सगीर में सबसे खुशहाल मुल्क था पाकिस्तान, आज सबसे पीछे रह गया। और फिर यही, अगर हमने अपनी रिसोर्सेज ना डेवलप की तो आगे और ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि एक यंग पॉपुलेशन है, अगर इसको आप तालीम ही नहीं देंगे, इनको रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो आगे तो बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के। इस मीटिंग के दौरान इमरान ने पहले राजस्व बोर्ड के अधिकारियों को भरोसे में लेते हुए कहा कि अगर आप कोई भी योजना तैयार करते हैं तो उनके परामर्श के बिना कोई एक्शन ना लें। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर लोगों को ये भरोसा हो जाए कि जो पैसा उनसे टैक्स के तौर पर लिया जा रहा है उसका इस्तेमाल देश के लिए ही होगा, न कि नेताओं की आलिशान जीवन शैली पर, तो वो खुल कर आगे आएंगे और टैक्स भी भरने लगेंगे। जरूरी यह है कि व्यापारियों को और जागरूक किया जाए ताकि वो उनमें टैक्स को लेकर भरोसा बढ़े, उनके दिल से टैक्स मशीनरी का डर दूर हो। अगर इस तरह से काम हुआ तो सरकार के लिए 8 ट्रिलियन रुपए का टैक्स वसूलना मुश्किल नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। उसे IMF की तरफ से 5.5 ट्रिलियन रुपए का टैक्स वसूली का लक्ष्य मिला है, लेकिन जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं उससे इसे पाना मुश्किल हो गया है। इमरान जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक अर्थव्यवस्था का पटरी पर लौटना बेहद मुश्किल है, वो भी ऐसे वक्त में जब FATF ने उसे ग्रे सूची में रखा हुआ है और कोई दूसरा देश उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है।